पेश है हरियाणा की बड़ी खबरें। चंडीगढ़ के मुद्दे पर अलग अलग मंचों पर सभी दलों के नेता अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी मुद्दे का विरोध कर रही कांग्रेस दो खेमों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली में विधायक दल की बैठक बुलाई, तो वहीं चंडीगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा पार्टी प्रभारी विवेक बंसल और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ बैठक की। पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि जारी है। 14 दिनों में दोनों पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में 12 बार वृद्धि हो चुकी है। 14 दिन में पेट्रोल के रेट 104 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा पहुंच गए हैं। सोमवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में 40 पैसे का उछाल आया। रविवार को भी पेट्रोल व डीजल के दामों में 80-80 पैसे की वृद्धि हुई है। 22 मार्च को पेट्रोल 95.34 रुपए और डीजल 86.56 रुपए प्रति लीटर बिका था। सीएम मनोहर लाल ने सोमवार को करनाल के गरौंडा विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने गांव खरकाली और स्टोंडिक में हेल्थ वेलनेस सेंटर, रसीन में व्यायामशाला व गरौंडा में राजकीय मेडिकल सांस्कृतिक कॉलेज में जाकर स्थिति देखी। चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई है। ऐसे में माता के भक्तों के लिए ये 9 दिन विशेष होते हैं। माता के भक्त 9 के 9 दिन व्रत भी रखते हैं और इस व्रत के दौरान जहां फलाहार खाया जाता है, इसमें कुट्टू का आटा भी लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन हरियाणा के पानीपत जिला में कुट्टू के आटा खाने से 11 से ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। सभी को पानीपत के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धर्म परिवर्तन करने के दबाव व बेटी पर बुरी नज़र रखने से परेशान विधवा महिला ने घर छोड़कर दूसरी कॉलोनी में रहना शुरू कर दिया, लेकिन वहां से आरोपी उसकी बेटी को डरा धमकाकर जबरन बुरका पहनाकर उठाकर ले गए। मामला हरियाणा के पलवल का है। थाना कैंप पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर दो भाइयों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।